एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने घाघरा थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि घाघरा नेतरहाट मुख्य पथ पर नगड़ी ढलान के पास आयुर्वेद दवा विक्रेताओं से रुपये मोबाइल लूट के चार आरोपी कुणाल उरांव उम्र 27 वर्ष जगबगीचा घाघरा, संतोष महतो उर्फ फौजी उम्र 20 वर्ष पाकरटोली घाघरा, इरशाद आलम उर्फ कलुआ उम्र 25 वर्ष पतागाई एवं सुमित भगत उर्फ बारूद उम्र 32 वर्ष को लूटे गए 3000 नगद व मोबाइल के साथ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गुमला जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि लोहरदगा से महुआटार जा रहे स्कूटी सवार दवा विक्रेता जाहिद हुसैन एवं गुलाम रब्बानी गुरुवार की सुबह स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आए। दो अज्ञात अपराधियों द्वारा स्कूटी को आगे से रोककर मारपीट कर मोबाइल पर्स एवं 5000 रुपये लूट लिए गए थे, जबकि दो अपराधकर्मी इस लूट की घटना को अंजाम देने में वादी और उनके साथियों की रेकी और सहयोग की थी। इस घटना में लूटे गए सभी सामान बरामद कर घटना में शामिल चारों अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूट कांड के उद्भेदन में थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, एसआई देव प्रताप प्रधान, मुकेश कुमार, सूरज कुमार, नागमणि सिंह एवं जयप दो के सशस्त्र बल शामिल थे। कांड के उद्भेदन में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु पुलिस अधीक्षक गुमला को प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, एसआई देव प्रताप प्रधान, मुकेश कुमार, सूरज कुमार, नागमणि सिंह एवं जयप दो के सशस्त्र जवान शामिल थे। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। हाँ सर, ये बीते दिनांक 13 तारीख को सुबह 8 बजे सुबह बीते दिनांक 13 तारीख को सुबह करीब 8:30 बजे थाना की सूचना मिली कि नगड़ी ढलान के पास जो नेतरहाट रोड में स्थित है वहाँ पर दो व्यक्ति जो लोहरदगा रहने वाले जाहिद हुसैन और गुलाम रब्बानी जो डिजॉय कंपनी आयुर्वेदिक दवा बेचते हैं वो दवा बिजनेस कारोबार में वो मोहम्मदान की ओर जा रहे थे, जहाँ पर नगरी ढलान के पास दो अज्ञात व्यक्ति जैसे स्प्लेंडर से उसका पीछा कर उसको ओवरटेक करके रोक कर उसे मारपीट करके उसके पास से उसके बैग में रखा 5000 रुपया, दो मोबाइल और हेलमेट छीन लिए और भाग्य जिस सूचना मिलने पर तुरंत थाना प्रभारी अमित कुमार और सब इंस्पेक्टर देव प्रताप प्रधान, मुकेश कुमार, सूरज कुमार रजक, सनी नागमणि सिंह और जेट टू के सदस्य बल तत्परता से इस कांड के उद्भेदन में तकनीकी अनुसंधान और बाहरी इनपुट के आधार पर इसके 24 घंटे के अंदर इस कांड को उद्भेदन कर लिया गया। इसमें जो एक्यूज शामिल थे जिसमें पहले कुणाल उरांव और संतोष महतो उर्फ फौजी को गिरफ्तार किए, जिसके निशानदेही पर इरशाद आलम उर्फ कलुआ और सुमित भगत को गिरफ्तार किया गया। ये लोग बताए कि ये लोग 13 तारीख को 12 तारीख को इन लोग प्रोग्राम बनाए कि लूटपाट की योजना बनाए और 13 तारीख को सुमित कुणाल उड़ाव और संतोष महतो फौजी दोनों घटना का अंजाम दिए और सभी अपने प्लानिंग के अनुसार एक सुनसान जगह पर मिले जहां पर जो मोबाइल लुटा गए थे उसको चूर करके फेंक दिए और 5000 रुपये में और लोग आपस में खाए पिए और आज गिरफ्तारी हुई। उनके पास लुटा हुआ 3000 रुपया, लूटे गए मोबाइल और बैग और हेलमेट सभी को बरामद कर लिया गया। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि जो एक लूट की घटना को सभी लोग अपने इनपुट और तकनीकी अनुसंधान में 24 घंटे में इस कांड को अध्ययन किया गया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें सभी अधिकारियों को उचित पुरस्कार से पुरस्कृत करने हेतु वरीय अधिकारियों को अनुशासित किया जाएगा।